आदाब रेसिपी किचन फॉर एवरीवन में खुश आमदीद। आज हम बना रहे हैं स्पेशल दाल मखनी। इसको बनाने के लिए लाल लोबिया हाफ कप, गर्म पानी में दो चुटकी मीठा सोडा और दो चुटकी बेकिंग पाउडर शामिल करके इसको 4 घंटे के लिए भिगो लिया है। हाफ कप मलका मसर ली है, इसको सादा पानी में 4 घंटे के लिए भिगो लिया है। प्याज 2 मीडियम चॉप्ड, टमाटर 2 मीडियम चॉप्ड। मसाला जात में शामिल है लिक्विड नमक 2 टेबल स्पून, धनिया पाउडर 1.5 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून और सफ़ेद ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून। मलका मसर जिस पानी में भिगोई थी उसी के साथ हम मलका मसर को कुकर में डाल के कुकर की सीटी आने तक का इंतज़ार करेंगे। जैसी सीटी आएगी तो हम इसे 5 मिनट के लिए सीटी के साथ पकाएंगे। ये मलका मसर तैयार हो गई है, अब हम इसे कुकर से निकाल लेंगे और इसमें डालेंगे लाल लोबिया उसके पानी समेत। लाल लोबिया हमने कुकर में डाल लिया है, अब इसको भी जिस पानी में भिगोया था उसी के साथ पका लेंगे 5 मिनट के लिए। जैसे ही कुकर में सीटी आना शुरू होगी तो 5 मिनट के लिए उसको सीटी आने तक पकाएंगे। ये लाल लोबिया गल चुका है, अब हम इसका पानी फेंक देंगे और लोबिये को एक तरफ निकाल के रख देंगे। 4 टेबलस्पून ऑयल और 2 टेबलस्पून मक्खन लेके ये प्याजों को हम अच्छी तरीके से गोल्डन ब्राउन करें, फ्राई करेंगे। 3 से 5 मिनट के अंदर मीडियम हाई फ्लेम पर प्याज सुनहरे हो गए हैं, गोल्डन ब्राउन। अब हम इसमें शामिल करेंगे लहसुन अदरक पेस्ट 1 टेबलस्पून मीडियम फ्लेम पर। यह हमने शामिल किया 1 टेबलस्पून लहसुन पेस्ट, गार्लिक पेस्ट, और ये हमने शामिल किया 1 टेबलस्पून जिंजर पेस्ट। और इसको अब हम 1-2 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर इसको फ्राई करें। ये लहसुन अदरक फ्राई हो गए हैं, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसकी मीडियम फ्लेम पे। अब हम इसमें ऐड करेंगे लिक्विड नमक और इसमें शामिल करेंगे लाल लोबिया और इसमें शामिल करेंगे काली दाल यानी मलका मसर, साबित मलका मसर जो कि हमने गलाई थी अच्छी तरह। ये पानी समेत मलका मसर डालिए। अब हम इसमें शामिल करेंगे सारे मसाला जात। और टमाटर, इसको 5 मिनट अच्छी तरह पकाएंगे और इसको अच्छी तरह घोटेंगे। अब हम लो फ्लेम पर इसको अच्छी तरीके से घोट रहे हैं, घोटते जाएंगे हम हल्की फ्लेम पे, लो फ्लेम पर। ये दालों को घोटा भी जा रहा है और इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पेस्ट 1 टीस्पून ऐड किया है, इसको भी अच्छी तरह मिक्स करेंगे और दाल मखनी को घोटते जाएं। ये दाल जो है, दाल मखनी तैयार है। इसकी अब हम फाइनल लुक दिखाते हैं, इसी तरह मोटी मोटी ये घुटती है, अब इसकी फाइनल लुक दिखाते हैं। गर्मा गर्म दाल मखनी तैयार है, इसको चपाती के साथ, रोटी के साथ खाइए, एंजॉय कीजिए। इसको हमने मक्खन और फ्रेश क्रीम से डेकोरेट किया है।
रेसिपी किचन फॉर एवरीवन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना याद रखिएगा।